हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो हमने लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और फिर हमने शुरू किया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए थे और मैंने आपको कहा था कि वही हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है, लास्ट क्लास नहीं देखे है, तो प्लीज़ आप पहले जाके वो क्लास देख लो, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगी। हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 केसेस वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे केस नंबर 5। फटाफट से देखो, आज हम न्यू पीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, सारे केसेस कवर कर लेंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या है? पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो क्या है? 7:3। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 7:3। उसके बाद इनका एक दोस्त था जिसका नाम था सी, उसको पार्टनर बनाया गया कितने शेयर के लिए? लेट्स से 3/7 शेयर के लिए। उसके बाद देखो ध्यान से कि क्या लिखा कि वेयर 3/7 शेयर, वेयर ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। बहुत ही आपको ध्यान से देखना कि क्या दिया हुआ है। सी आया है 3/7 शेयर के लिए और उसने आपको बोला कि 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये है आपका प्रॉफिट शेयर, जिसको आप पिज्जा भी समझ सकते हो, है ना। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? ए और बी 7:3 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। लेट्स से ये था वो 7:3, मान लो ये 7:3 है, ये ए का शेयर है बड़े वाला पीस और ये छोटे वाला बी का है। ठीक है, ए का 7/10 और बी का 3/10, परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद इनका दोस्त आ गया जो था 3/7 शेयर के लिए। इसने बोला तो रुको, पिज्जा को खाने से पहले रुको जरा और मुझे दे दो इस पिज्जा का 3/7 शेयर। उसने क्या बोला कि मुझे इस पिज्जा का 3/7 शेयर चाहिए। अब मान लो 3/7 शेयर कितना आ गया, लेट्स से हम मान लेते हैं कि 3/7 शेयर इतना आ गया, 3/7 शेयर ये है। ये है कौन? अब सी। अगर आपने देखा, सी 3/7 शेयर के लिए आया और इसने क्या किया, बी से कुछ पार्ट ले लिया, ए से कुछ पार्ट ले लिया। तो जो ये शेडेड पार्ट है बी का, इसने कितना ले लिया? बी से लिया 1/7 और ए से कितना लिया? ए से लिया 2/7। 1/7 बी से लिया, 2/7 सी से लिया। यस और नो? पीएसआर जो हमने चेंज इन पीएसआर लास्ट चैप्टर किया था, मैंने आपको वहां भी बताया था कि ये फ्रॉम की बहुत रेलेवेंस होती है, कि ए से 1/7, बी से 1/7। ठीक है, क्यों होती है धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। ए से 2/7, बी से 1/7, तो बहुत ही सिंपल है न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं ए के पास कितना शेयर बच गया, ए इज न्यू शेयर, तो आप क्या बोलोगे? देखो सर, उसका शेयर पहले था 7/10 और उसने 2/7 दे दिया। बहुत सिंपल है, 2/7 सी ने उससे ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 2/7। यस और नो? है ना, कि भाई 2/7 ए से ले लिया तो उसका शेयर तो गया, इसका निकालो एलसीएम कितना आ जाएगा, 70 ले लेते हैं, 10 × 7 = 49 माइनस 20, 29/70, करेक्ट। सिमिलरली हम निकाल लेंगे बी का, बीज न्यू शेयर। ठीक है, इसका शेयर पहले कितना था, 3/10 और इसने 1/7 दे दिया, 3/10 था, 1/7 दे दिया। अब देखो आपको एलसीएम दिया 70, 10 × 7 = 321 माइनस 10, 11/70 हो गया। अब एक बात बताओ, सी का शेयर आपको दे रखा है, सीज शेयर गिवन है कितना, 3/7, 70 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई 30/70। तो अगर आपसे पूछा गया है न्यू शेयर, तो आप क्या बोलोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आई, 29:11:30। क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना है कि आपको बोला क्या गया है। सिंपली बोला गया कि 3/7 शेयर है, 2/7 ए तू दे दे, 1/7 बी तू दे दे। बस ए का जितना शेयर था उसमें से माइनस कर दिया, बी का जितना शेयर था उसमें से माइनस कर दिया, आ गया न्यू शेयर। यस और नो? सिंपल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 6। सो केस नंबर 6 बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं लेकिन बहुत आसान है। देखो कि ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, ए और बी हमारे पार्टनर चलते हुए आ रहे हैं केस 1 से, और इनकी रेशियो आपको दे रखी है 7:3। ठीक है जी, 7:3 इनकी रेशियो है और इन्होंने एडमिट कर लिया, किसको एडमिट कर लिया भाई, सी को एडमिट कर लिया, सी इज एडमिटेड।
एडमिट मतलब नया पार्टनर बना लिया, ठीक है, वो बोला एडमिट नहीं। अब ध्यान से सुनो क्या बोला गया, आपको ये बोला गया कि ए सेक्रीफाइज्ड, क्योंकि सी आया है तो ए सेक्रीफाइज्ड टू अपॉन सेवेंथ ऑफ हिज शेयर, ओहो, टू अपॉन सेवेंथ ऑफ हिज शेयर, एंड बी सेक्रीफाइसेस, एंड बी सेक्रीफाइसेस वन अपॉन सेवेंथ ऑफ हिज शेयर। ये मैंने चेंज इन पीएसआर में भी आपको कराया था, ऑफ हिज शेयर। अगर आपने चेंज इन पीएसआर की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ए सेक्रीफाइस टू सेवेंथ ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस वन सेवेंथ ऑफ हिज शेयर। अब आपको क्या करना है, न्यू पीएसआर निकालनी है। सर सी का शेयर तो दिया नहीं है, बिल्कुल दिया है, ध्यान से देखो। ये थे ए, ये का प्रॉफिट होगा ए और बी का। पिज्जा आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। सेवन इज टू थ्री मान लो कितना आता है, सेवन इज टू थ्री ये मान लेते हैं। ये है ए का बड़ा वाला और ये है बी का, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या हुआ, सी एडमिट हो गया, सी को पार्टनर बना दिया गया। अब देखो ध्यान से लिखा क्या हुआ है कि ए सेक्रीफाइस टू सेवेंथ ऑफ हिज शेयर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ए का शेयर है ना, ए का शेयर, क्या बोला, ए ने अपने शेयर का टू सेवेंथ सी को दे दिया, अपने शेयर का टू सेवेंथ। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ए ने कितना दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, ए सरेंडर्ड शेयर या ए सेक्रीफाइस शेयर, ए सरेंडर्ड शेयर या सेक्रीफाइस शेयर, आप क्या कहोगे। देखो सर, ए का शेयर पहले कितना था, सेवन अपॉन टेन, सेवन अपॉन टेन, ये जो आपको दे रखा है ये क्या है, सेवन अपॉन टेन। तो ए ने क्या किया, ए ने अपने शेयर का जितना भी उसका शेयर था, इसका टू सेवेंथ पार्ट किसको दे दिया, सी को। तो ए ने कितना शेयर दिया, सेवन अपॉन टेन ऑफ टू सेवेंथ, अपने शेयर का टू सेवेंथ। तो टू सेवेंथ ऑफ सेवन अपॉन टेन, ये बात समझ में आई। इसमें और लास्ट केस में डिफरेंस क्या है, ऑफ और फ्रॉम का, क्यों, क्योंकि यहां आपको बोला था कि उसने अपने शेयर में से टू सेवेंथ दे दिया, सिंपली आपको क्या करना था, टू सेवेंथ माइनस करना था। यहां आपको बोला है कि अपने शेयर का टू सेवेंथ दे दिया, टू सेवेंथ ऑफ अपना शेयर, वो था अपने शेयर में से टू सेवेंथ दे दिया, ले ले भाई, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां इसने कितना सैक्रीफाइस किया, सेवन इंटू टू फोर्टीन अपॉन सेवनटीन, क्या ये बात आपको क्लियर हुई। सिमिलरली मैं निकालूंगा कि बी ने कितना सरेंडर किया, बी सरेंडर्ड शेयर, सॉरी सरेंडर्ड शेयर या सेक्रीफाइस शेयर, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो उसका शेयर पहले था थ्री अपॉन टेन और उसने अपने शेयर का वन सेवेंथ सेक्रीफाइस किया, थ्री अपॉन टेन का वन सेवेंथ। तो ये आपका कितना आ गया, थ्री अपॉन सेवेंटी, येस और नो, क्या ये बात समझ में आई। तो बेसिकली ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, फोर्टीन अपॉन सेवेंटी और किसको दे दिया, सी को। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, थ्री अपॉन सेवेंटी और किसको दे दिया, सी को। क्लियर है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि ए का शेयर कितना बच गया, मतलब एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत आसान है, पहले कितना था, सेवन अपॉन टेन, और सेवन अपॉन टेन था और उसने फोर्टीन अपॉन सेवेंटी दे दिया, फोर्टीन अपॉन सेवेंटी दे दिया, मतलब माइनस, इसका एलसीएम लेंगे सेवेंटी, टेन इंटू सेवन, सेवन फोर्टी नाइन, माइनस फोर्टीन, थर्टी फाइव अपॉन सेवेंटी, क्या ये बात क्लियर हुई। सिमिलरली मैं किसका निकालूंगा, बी का, बी इज न्यू शेयर, पहले कितना था, थ्री अपॉन टेन, थ्री अपॉन टेन तो था और उसने सेक्रीफाइस कर दिया थ्री अपॉन सेवेंटी, इसको एलसीएम ले लो, कितना आएगा सेवेंटी, टेन सेवन ट्वेंटी वन, माइनस थ्री, एटीन अपॉन सेवेंटी, येस और नो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि ये हो गया ए और बी का न्यू शेयर, करेक्ट। अब मुझे निकालना है सी का न्यू शेयर, सी इज शेयर। तो जैसे कि आपको पता है कि ये 14 अपॉन 70 और 3 अपॉन 70 किसको मिला है, सी को मिला है, तो मैं क्या करूंगा, सी का शेयर क्या होगा, जो उसने ए से लिया प्लस जो उसने बी से लिया, और ये आ गया आपका 17 अपॉन 70। क्लियर हुई बात, ठीक है। न्यू शेयर आपके सामने है, क्या है, 35:18:17। क्वेश्चन को समझना है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि उसने क्या सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया, ऑफ लिखा है, फ्रॉम लिखा है, क्या लिखा है, क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। कोई भी डाउट है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर सेवन, केस नंबर सेवन, ध्यान से देखो केस नंबर सेवन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, देखते हैं। अब यहां पे हम लेते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, और इनकी ओल्ड रेशियो हम ले लेते हैं थ्री इज टू टू इज टू वन,
3:2:1, ठीक है। तो अब एडमिट कौन होगा? डी। डी को नया पार्टनर बनाया गया है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि इट इज अग्रीड, क्या एग्री किया? दैट सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओहो सर, ये क्या है? अभी समझाते हैं। ओरिजिनल शेयर, देखो ध्यान से, फटाफट से एक बढ़िया सा पिज्जा बनाते हैं, ये रहा, ठीक है। पहले क्या था? 3:2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। 3:2:1 मान लो ये हो गया आपका, ये हो गया बड़ा वाला ए का, ठीक है, ये हो गया बी का, और ये हो गया ए सी का, ठीक है। ये क्या होना है? ये है आपका ए, ये है बी, और ये है सी, करेक्ट है। अब आपको बोला क्या गया कि नया पार्टनर आया है। कौन आया? नया पार्टनर डी, और डी ने बोला है कि मुझे क्या कितना शेयर चाहिए? 1/6। अब सी होंगे सबके लाडले, ठीक है। सी बहुत ही VIP इंसान है, और सी ने बोला है कि सुनो, मेरा शेयर कितना था पहले? 1/6 था ना, मेरा शेयर 1/6 था, और 1/6 ही रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे मेरा शेयर छीन सके। सी ने क्या बोला? दैट ही वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जितना शेयर उसका पहले था उतना ही रहेगा, वो किसी को कुछ नहीं दे रहा। क्या ये बात आपको समझ में आई? जितना उसका पहले था उतना ही रहेगा। डी ने क्या, मुझे 1/6 तो चाहिए, डी ने क्या बोला कि मुझे 1/6 चाहिए, तो डी ने मान लो ये 1/6 शेयर ले लिया, डी ने ये 1/6 शेयर ले लिया, ये हो गया डी का। अब बच गए बेचारे ए और बी, है ना, ए और बी बच गए। सी अलग बैठ गया कि भाई मैं तो कुछ किसी को कुछ नहीं दे रहा। डी, उसने कहा मुझे तो 1/6 दे दो, बच गए ए और बी, क्या करेंगे अब देखो। और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये एक तरीके से हमारा केस नंबर 1 है, कि सिंपली आपको बस ये बताया कि एक नया पार्टनर आया है 1/6 शेयर के लिए, येस और नो। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ए और बी के लिए अब कितना शेयर बच गया, ये जो आपको दिख रहा है खाली खाली पार्ट, ये ए और बी के लिए बच गया, कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर, देखो ए और बी के लिए कितना शेयर बच गया, ध्यान से देखो कि रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू टोटल शेयर होता है 1, ठीक है। इसमें से अब ध्यान से देखो, इसमें से डी 1/6 लेके चला गया, बिल्कुल सही। उसके बाद जो सी था वो भी 1/6 लेके चला गया, तो ये दोनों तो चले गए। ये दोनों तो क्या कह रहे हैं कि भाई तुम अपना अपना देख लो। डी कह रहा है मुझे 1/6 दे दो, सी कह रहा है मैं 1/6 रख के रखूंगा। सी कह रहा है कि मुझे 1/6 चाहिए, मैं तो कुछ नहीं करने वाला सेक्रीफाइस, राइट। तो कितना बच गया? 1 माइनस ये 1/6 हटाओ, ये वाला 1/6 हटाओ, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 - 2/6 कितना आ जाएगा आपका? ये 6 आपने एलसीएम लिया, 6 - 2 = 4/6। ये 4/6 क्या है? ये 4/6 ये वाला शेयर है जो ए और बी के लिए बच गया, जो ए और बी के लिए बच गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को कितना शेयर मिलेगा, ए इज न्यू शेयर, तो आप क्या बोलोगे? सर कोई रेशियो तो दे नहीं रखी कि ए और बी किस रेशियो में करेंगे। तो हम क्या मानते हैं हमेशा कि जो रेशियो उनकी पहले थी आपस में, ए और बी 3:2 में शेयर कर रहे थे, 3:2 में शेयर कर रहे थे, तो जितना अब बच चुका है पिज्जा, जितना प्रॉफिट बच चुका है, वो 3:2 में ही करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा? पहली बात तो शेयर कितना बचा है? 4/6। इसी का कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ पार्ट क्या है? 3/5। 3/5 कहाँ से आया? ए और बी के बीच में रेशियो क्या है? 3:2। तो ए को कितना मिलेगा उसका 3/5 पार्ट, बी को कितना मिलेगा? 2/5 पार्ट, सिंपल। तो ए को मिल जाएगा यहाँ पे 12/30, और बी को कितना मिल जाएगा? देखो, बी इज न्यू शेयर, कितना मिलेगा बी को? कि भाई बचा हुआ पार्ट 4/6 है और इसका 2/5 पार्ट, 4 - 8 = 30, 8/30, येस और नो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी का शेयर कितना था, सी शेयर, वो भाई साहब तो पहले भी 1/6 ले रहे थे, अब भी 1/6 लेंगे, इसको 30 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/30। उसके बाद मुझे बताओ डी का शेयर कितना है? 1/6 अगेन 5/30, करेक्ट। तो न्यू रेशियो हमारी निकल चुकी है, न्यू रेशियो देखो क्या आ गई, न्यू रेशियो हमारी आ गई 12:8:5:5। समझ में आया? कि बस बात सिर्फ इतनी थी कि वैसे यहाँ पे आप सिर्फ डी का शेयर माइनस करते, लेकिन क्योंकि सी ने भी अपना शेयर रिटेन कर लिया, आपको उसका भी माइनस करना पड़ा, क्योंकि आप उससे कुछ सेक्रीफाइस करवा ही नहीं सकते।
सो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अभी हमने सिर्फ एक एक एग्जांपल किए. डेफिनेटली हम आगे वाली क्लासेस में पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आप प्लीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है और जो ये वाली वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से केस में आपको क्या करना है, कौन से केस में क्या करना है. ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.